Hi, good morning, good afternoon, good evening. Welcome in ICT class. My name is Bidyabhushan Thakur. Please subscribe the channel and like the videos. Thanks. आज के इस वीडियो में हम ICT क्लास लोगो प्रोग्रामिंग पार्ट 3 वीडियो को देख रहे हैं. मैंने इससे पहले भी लोगो प्रोग्रामिंग पार्ट 1 एंड लोगो प्रोग्रामिंग पार्ट 2 वीडियो बना रखा है. जिसने भी नहीं देखा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लो, देन पार्ट 3 वीडियो देखना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा. ओके, सो नाउ वेलकम इन दिस ICT क्लास. आज जो हम सीखने वाले हैं इस पार्ट 3 वीडियो में, वह है क्या क्या हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं बता दूँ आपको. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपीट कमांड के बारे में एंड प्रिंट कमांड के बारे में. रिपीट कमांड एंड प्रिंट कमांड. सो स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको जो बता रखा है उसको ज़रूर देख लेना, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा. जो पिछला वीडियो है मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो, ओके. तो आज के वीडियो में हम रिपीट कमांड एंड प्रिंट कमांड क्या होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है. सो आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड. सो आगे बढ़ते हैं. रिपीट कमांड, आपने देखा होगा कि हमने पहले जो कमांड्स यूज़ किए थे वो क्या था, FD, LT, RT, BK, ये सारे कमांड्स हमने यूज़ किया था, है ना. लेकिन कभी आपने सोचा कि हम ऐसे FD अगर हमें 4 बार करना हो तो क्या हम FD 100, FD 100, FD 100 क्या 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा? तो फिर तो प्रोग्रामिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. प्रोग्रामिंग क्या करता है, हमारे काम को इजी करता है, आसान बनाता है. तो रिपीट कमांड के मदद से आप क्या कर पाओगे, आप लिखेंगे रिपीट 4 FD 100, तो क्या होगा, 100 जो फॉरवर्ड है FD 100 ये खुद से ही, क्योंकि आपने रिपीट 4 किया है तो 4 टाइम्स चल, मतलब आगे बढ़ेगा. ओके, तो हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं. एक्चुअली मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में मैंने वेबसाइट बताया था, कैलोडमैन वेबसाइट, इस वेबसाइट को भी देखते हैं, ठीक है. सो कैलोडमैन एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ध्यान से देखना. इसी वेबसाइट पर हम प्रैक्टिकल करते हैं, अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं. सो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखना. अगर मुझे FD 100 है और RT 90 डिग्री है, अब देखना अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम लिख दिया हमने, ठीक है. फिर मैं क्या करूँगा, उसी कमांड को मैं फिर से लिखूँगा. मैं फिर से उसी कमांड को, ध्यान देना, मैं 4 टाइम्स लिख रहा हूँ. मैं उसी कमांड को क्या करूँगा, मैं 4 टाइम्स लिखूँगा, 3 टाइम्स हो गया, फिर से लास्ट टाइम, ठीक है. लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे पास कोई ऐसा कमांड हो कि एक बार हम लिखें और वह हमारा स्क्वायर बना दें. कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान से देखना. मैं क्या करता हूँ, यहाँ CS करता हूँ. CS का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बता रखा है पिछले वीडियोस में, CS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर लिया, मैंने क्लियर हो गया. अब क्या करते हैं, अब आप ध्यान से देखना, मैं रिपीट कमांड का यूज़ करने वाला हूँ. मैं क्या करूँगा यहाँ, RE PEAT, रिपीट कितना, 4. फिर मैं क्या करूँगा, बिग ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और बिग ब्रैकेट में एंड करूँगा. इस RT को अच्छा दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RT ऐसे लिख लेते हैं. फिर मैं क्या करूँगा, रन करूँगा. देखो अब टर्टल आपका काम करने जा रहा है, क्योंकि आपने क्या कमांड दिया है, रिपीट 4. फिर क्या करने वाला है, देखो एक बार में बन गया ना, तो अब आपको रिपीट कमांड का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब आप देखो, एक रिपीट कमांड का मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ. यहाँ से मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और मैं पेस्ट करूँगा, देखना क्या होगा. मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ इसके अंदर जो भी है इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं CS करता हूँ. CS का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है. मैं यहाँ क्लियर करता हूँ. अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो पिछला कमांड है उसको हटा करके मैं ये डालता हूँ. ये क्या करेगा, रिपीट 5 FD 100 RT 144. इसका मतलब क्या है,
144 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। पहले क्या करेगा, एक बार बढ़ेगा 100 और 144 डिग्री का एंगल बनाएगा, 144 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये एक्टिविटी कितने बार करनी है, 5 times। अब देखो मैं रन करूँगा क्या बनता है, क्या बन गया, एक स्टार बन गया। कैसे बना, अगर हम इसी काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें 5 times लिखना पड़ता, तो रिपीट ने हमें हेल्प कर दिया। ठीक है, तो रिपीट कमांड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। रिपीट कमांड आपको समझ आ गया होगा, आई होप। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और बेहतर तरीके से आ सकता है। मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ दे रखा है, अगर आप देखोगे तो मैंने सर्कल बनाने के लिए मैंने दिखा रखा है। सर्कल बना के देखते हैं कैसा बनता है। हम क्या करेंगे, यहाँ मैं क्लियर करता हूँ, CS क्लियर किया हमने। अब मैं सर्कल बनाने के लिए बात करूँगा। अब देखो FD 360, क्या करूँगा मैं FD 1 और RT 1 करूँगा। अब देखना क्या होता है, सॉरी FD 1 RT 1 रिपीट नहीं किया, यहाँ मिस्टेक हुआ क्या, रिपीट नहीं किया हमने। ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह से कुछ मिस्टेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या मिस्टेक किया और कैसे हम आगे काम कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या मिस्टेक किया, मैं फिर से बार बार बताता हूँ कि हमें देखने से ही समझ आएगा, करने से समझ आएगा। क्या करेंगे हम, रिपीट कितना 360 टाइम्स हम चाहते हैं, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल बनता है ना जब हमारा सर्कल बनता है, तो FD 1 और RT 1। ठीक है, देखते हैं, देखो क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो आप भी सर्कल बना सकते हो, तो इसको इस वेबसाइट पर, कैलोडमैन वेबसाइट पर आप ट्राई करना। ओके, तो रिपीट कमांड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसने क्या किया, इट टोटल 360 टाइम्स ऐसे 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 मूव किया, कितना, FD 1 एक बार आगे बढ़ा फिर मुड़ा, एक बार आगे बढ़ा फिर मुड़ा, फिर ऐसे 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 360 टाइम्स ये किया, तो इससे क्या बन गया, सर्कल बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, पेंटागन बना सकते हो, आप ट्राई करना इसको। ठीक है, क्योंकि आपको रिपीट कमांड का मैंने दो चीज़ें बनवा दिया, स्क्वायर बनवा दिया एंड मैंने सर्कल बनवा दिया। ठीक है, अब आप रिपीट कमांड पेंटागन बनाना। ठीक है, उसके बाद प्रिंट कमांड के यूज्ड से अब हम प्रिंट कमांड की बात करेंगे। ओके, हमने रिपीट कमांड देख लिया, प्रिंट कमांड क्या करता है, अब देखो प्रिंट कमांड, इसको फिर से मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा CS। ओके, जब CS करते हैं तो क्लियर हो जाता है। अब क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट को शॉर्ट में हम PR भी लिखते हैं, तो ट्राई कर सकते हो आप। वैसे प्रिंट इस पे काम करता है, हर वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड काम करता है, बट इसमें प्रिंट कमांड काम करता है। ठीक है, तो प्रिंट 40 × 4, देखना क्या करता है ये। टर्टल हमारे लिए कैलकुलेशन भी काम करता है, मैंने पहले भी बताया था कि प्रिंट कमांड क्या काम करता है, कैलकुलेशन करने के लिए रन करेगा। तो देखो यहाँ क्या आ गया, 160 आ गया। अगर आपको कैलकुलेशन करवाना है कुछ, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, × 2 क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, क्या कितना आंसर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या आंसर आएगा, 64। मतलब 2 को अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 64। ठीक है, आप सारे परमुटेशन कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो जो आप ट्राई करना चाहो, खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली बच्चों से कि 2 + 2 / 2 क्या होगा, तो इसका देखो आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो आप प्रिंट कमांड का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना होता है। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया, ये सब ट्राई करना आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको देखोगे यू विल सी कि कितना मज़ेदार है हमारा लोगो प्रोग्रामिंग। तो ये लोगो प्रोग्रामिंग का आपको मैंने लोगो प्रोग्रामिंग 1, लोगो प्रोग्रामिंग 2, लोगो प्रोग्रामिंग 3, मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों ने लोगो प्रोग्रामिंग 1 और 2 नहीं देखा है वो लोगो प्रोग्रामिंग 1 और 2 भी देख लें और 3 भी देख लें। इससे क्या होगा, लोगो के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जो भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में तो आप उसको दे सकते हो। जनरली लोगों का फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thanks for watching videos. Please like and subscribe the videos. Put your comments below.